न्यूजीलैंड इंडिया ने 9 में से 9 मैच जीते थे, न्यूजीलैंड ने 9 में से 5 मैच जीते थे। इंडिया ने पहले बैटिंग की, 397 का पहाड़ जैसा टारगेट इंडिया ने खड़ा कर दिया। विराट कोहली ने कमाल इनिंग्स दुनिया क्रिकेट में, इतने सारे रिकॉर्ड है विराट कोहली के कि क्या बताए बंदा। दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी जिन्होंने 50 सेंचुरियां बनाई, विराट कोहली बन गए, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ गए। दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 8 निस्फ सेंचुरियां बनाई है, विराट कोहली। दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इतना बड़ा स्कोर 117 रन बनाया, अगेन विराट कोहली। और दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 711 रन बना दिए, अगेन विराट कोहली। सो कमाल, भारत 397 रन बनाया। न्यूजीलैंड का आगाज अच्छा नहीं हुआ तो लगा कि मैच बिल्कुल ही वन साइडेड ही ना हो जाए, लेकिन फिर जब दो खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खड़े थे, जब विलियमसन और मिचेल खड़े थे, तो लगा कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। वो मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, कम से कम मैच देख रहा था कि शायद ये मैच कोई मोड़ ले ले, लेकिन जब इनकी विकेटें गिरी तो फिर ये सारे का सारा मामला वन साइडेड ही हो गया। हम समझ रहे थे, मैं समझ रहा था कि शायद ही आज कोहली का ही शो होगा, लेकिन इंडिया के खैर बहुत सारे बैट्समैन ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जब बॉलिंग का आगाज हुआ शामी ने कमाल कर दिया। और शामी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, एक खिलाड़ी ने 7 खिलाड़ियों को घर भेजा, 7 विकेट शामी। सो ये है आज का मामला। सो अब ये तय हो गया कि इतवार को, और ये नंबर्स भी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मर्तबा 5 विकेटें लेने वाले खिलाड़ी वर्ल्ड कप में, वो भी मोहम्मद शामी बन गए। और ये आज का स्कोर कार्ड आप देखिए, इंडिया की बॉलिंग फिगर 9.5 ओवर्स शामी, 57 रन, 7 विकेटें, अनबिलीवेबल नंबर। अगर इंडिया की बैटिंग के भी हम स्कोर कार्ड दिखा सकेंगे, चूंकि वही बहुत अच्छा है स्कोर कार्ड। रोहित ने 47 रन बनाए, सिर्फ 29 गेंदों पर अच्छा आगाज दिया। शुभमन गिल ने 80 रन बनाए, रिटायर्ड हर्ट भी हो गए थे इस दौरान। कोहली 117, श्रेयस 105, केएल राहुल 39। सो कमाल है, अमेजिंग। सो अब इतवार को भारत ने खेलना है पहला, यानी फाइनलिस्ट पहली है भारत, और अब कल फैसला होगा कि भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया है या भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका। ये सब चल रहा है वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी आज का दिन खबरों से भरपूर था। नए कप्तान, नए डायरेक्टर, नए टेस्ट कप्तान, नए टी20 कप्तान, बहुत कुछ हुआ है, उस सब पे ही बात करेंगे। लेकिन पहले क्विकली बासित भाई, अगेन इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये टीम तो मतलब कोई अलग ही, कोई 11 लड़के हैं जो कि अलग ही कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, आज उन्होंने उसी तसलसल को बरकरार रखा है, मतलब कमाल है। मेरे ख्याल है जो न्यूजीलैंड का पहला मैच हुआ था ना धर्मशाला में, हाँ हाँ, वो भी उन्होंने अच्छी फाइट दी थी। और अगर आज हम ये ना बोलें कि न्यूजीलैंड ने फाइट नहीं दी तो ये गलत जाती होगी। सही, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त फाइट करी है, इतने बड़े स्कोर के 397 की जगह 300 प्लस रन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहां तक इंडिया की बात करी, वो 11 की 11 जो है ना मैच विनर है, कहां शामी कभी, यस यस, बुमराह कभी, बेंच से उड़ के आ रहा है, वो बेंच पे बैठा हुआ बंदा भी मैच विनर है, जो बेंच पे बैठा हुआ है। एक टीम की जीतने की खास बात, क्लास जिसको बोलते हैं ना, क्लास ये है, कमाल। हाईएस्ट स्कोर अगर हम दिखा सकें, वो स्लाइड जो अभी चल रही थी यहाँ पे, चले जी कामरान पर, हाईएस्ट स्कोर इन ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स, तो ये 134 मिचेल वर्सेस इंडिया, ये आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भी। और अगर वैसे कामरान में ये आज न्यूजीलैंड जरा ये बैड लक रहा न्यूजीलैंड का कि वो रचिन नहीं चले, वरना शायद ओपनिंग स्टांस पे अच्छा मिल जाता तो शायद थोड़ा सा और इंटरेस्ट पैदा हो जाता मैच में। नहीं, ये रीजन नहीं है, इंडिया अच्छा। ने बहुत बड़ा टोटल बना दिया हुआ था, 397 रन नॉकआउट में बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को जिसने थोड़ा सा प्रेशर में रखा है वो न्यूजीलैंड टीम थी दोनों मैचेस में। सही है, आज के सेमीफाइनल में भी राउंड में जैसे बासित भाई ने बताया धर्मशाला में,
लेकिन इंडिया टीम के आगे मैंने कहा था कि बहुत मुश्किल है कोई टीम जीत सके। हाँ। और जैसी अचीवमेंट आपने दिखाई है अनबिलीवेबल इंडियन कंट्री के लिए, उनको मुबारकबाद कोहली को। हाँ। जो आज उसने 100 किया और 50-100 उसने क्रिकेट की हिस्ट्री का एक बड़ा यादगार मोमेंट है ना, मुंबई इंडिया में किया तेंदुलकर बैठे हुए और किया दोनों बार 49th भी 50 भी 100 किया तेंदुलकर ही बैठा हुआ। पहले सोचते थे कि सचिन तेंदुलकर का कौन तोड़ेगा, कौन 24-25 साल खेलेगा, एग्जैक्टली कौन खेलेगा 24-25 साल। उस लड़के ने आके अलग ही दुनिया से आके 13-14 सालों में सारे रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर लिए। अनबिलीवेबल अचीवमेंट। और खुशी होती है कि ऐसे मेहनत होती है, ये प्लेयर्स होते हैं, ये क्लास के प्लेयर होते हैं, किंग होते हैं, जैसे उसने परफॉर्म किया। अदर भाई ये जो बात की, हम सुनते थे कि यार तेंदुलकर ऐसे रिकॉर्ड बना गया है कि जो पता नहीं कौन आके करेगा कैसे करेगा, तो ये कोहली ने। और अब आपको लगता है कि अगेन यानी फॉर ऑल द राइट रीजंस जब फाइनल 19 नवंबर को उतरेगी इंडिया की टीम, चाहे साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबले ऑस्ट्रेलिया, एक फेवरेट अभी से इंडिया को कहना ठीक है? एक फेवरेट डेफिनेटली वो हैं, जैसे बासित भाई ने बात की ना कि उनके पास 1 से लेके 11 तक जितने भी हैं अपने अपने जो उनका रोल है टीम में वो मैच विनर है। बड़ा मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए इंडिया को हराने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से आज न्यूजीलैंड ने शो किया है कि इवन अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइक इंडिया, उन्होंने एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि सिचुएशन थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था मैच में, अब वो क्वालिटी से बचा गए इन दी एंड। उनके पास डेप्थ इतनी थी, यू नो डेप्थ बॉलिंग में भी थी, स्पिन अगर आप कुलदीप यादव के वो 2 ओवर देखें, उसमें 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, तो वो मोमेंटम उसने एकदम रुक गया, एकदम टूट गया। तो ऐसे बड़े चेज में ऐसे ही होता है कि एक आधी विकेट गिरती है, 2-3 ओवर अच्छे होते हैं, प्रेशर स्टार्ट, एक ओवर में 20 पड़ा तो अगले में 2 रन बढ़ गए, जैसे काम ही बनेगा ना, टोटल बहुत बड़ा था। अदरवाइज न्यूजीलैंड हैड्स ऑफ टू देम द वे दे बैट इट। हाँ, बॉलिंग में देखें उनके जो मेन बॉलर थे उन्होंने बड़ी, स्पेशली लोकी फर्गसन ने जो जहाँ पे उनको पेस चाहिए थी उन्हीं के पास पेस थी, वरना तो वो दूसरों को तो बड़े आराम से निकल के मार रहे हैं। लेकिन उनकी आज बॉलिंग बड़ी बेवड़ रही है, अदरवाइज अगर वो थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करते तो ये 360-370 तक रोक लेते तो थोड़ा सा बैट्समैनों को थोड़ा सा लिवरेज मिलता इन दी एंड, कहीं 2-3 ओवर आराम से खेलने के भी मौका मिलता, लेकिन एवरेज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये वर्ल्ड कप खबरों से भरपूर, आज दिन का आगाज डेली मेल की खबर से हुआ कि जिसका खुलासा ये था कि जनाब ये पिच जो है ये पिच बदल दी बीसीसीआई ने अपेरेंटली, बड़ी शायद सुनने में ऑप्टिक्स के एतबार से फनी सी बात लगे, लेकिन उन्होंने पूरी इसकी डिटेल लिखी कि किस तरीके से ग्राउंड में जो मुख्तलिफ पिचेस होती हैं उनमें से कौन सी पिच सेलेक्ट की जाती है। और अभी मैं अगर पूरी खबर की डिटेल में जाऊंगा तो एक लंबी बात हो जाएगी कि जिसका खुलासा यही था, और उसमें मुख्तलिफ हवाले दे रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी के 40 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ये मैसेज सर्कुलेट हुआ पिच बनाने के हवाले से। आईसीसी के जो अहम तरीन फर्द हैं एटकिंसन, उन्होंने बहुत डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है कि ये मुझे प्रायर इत्तला ही नहीं दी गई और जो पिच तैयार की जानी थी मुझे बताया गया कि विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन वो पिच चेंज कर दी गई और दूसरी पिच पे मैच खेल जाएगा। इसमें किसी का भी कोई भी ओपिनियन हो सकता है, होता है कोई कहे कि यार ये बात जरा अजीब सी है, वाकई गलत है, होता है कोई कहे कि एक अजीब सी बात है, मतलब ये तो अजीब गलत इल्ज़ाम है। बट मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब सुनील गवास्कर जी, इनका जो कि इनका बड़ा एहतराम है, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने इसमें बात करते हुए अभी मैच के बाद बड़े सख्त सी एक बात की, सख्त सा जुमला इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए जो कि ये पिच के हवाले से बात कर रहे थे। वो जुमला तो पता नहीं अभी नहीं चला पाएंगे, लेकिन दिखाएं जरा क्या सुनील गवास्कर साहब किस मूड में थे। Who are talking about, you know, pitch in the, you know, pitch has been changed, this is going to do the Indian bowlers a favor, this, that. I mean, I hope that for they will just shut up, stop taking pot shots at India, just tell that, just because it's helped you to get your whatever, you know, eyeballs or whatever it is. It's nonsense. The pitch was there, even if it was changed, it was there before the toss for both the teams. It wasn't changed after, in the beginnings. It wasn't changed, you know, after the toss was done. So pitch is there for both teams. You are a good enough team, you play on that pitch and you win. And it- सुनील जी बात गुस्से में, तो मेरा ख्याल आप इस तरह कम देखा है मैंने सुनील गवास्कर, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह, राइट, ना गुस्से में। और जो बात बोली देखें, जब आप कमेंटेटर के मनसब पर हो तो थोड़ा सा आपको जरा सा, यानी आप एक टीम के नुमाइंदे नहीं होते, आप जब कमेंटेटर होते हैं आईसीसी के फैन। ये जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ब्रिटिश मीडिया है ना, ये बहुत माइंड गेम खेलता है। हालांकि उनकी टीम तो क्वालिफाई भी नहीं करी है उन्होंने, वो तो बाहर हो गए, लेकिन इस तरह बोलना, पिच आपने देखी 397 पे 300 प्लस रन, पिच में क्या था? बैटिंग के लिए बोलते ना पिच बनाई जाती है, तो बात तो सही है, पिच तो सही थी,
चाहे वो न्यूजीलैंड टॉस जीता था, इंडिया ने जीता था, उन्होंने 397 कर दिए। लेकिन वो स्टोरी आपने बस में पूरी देखी है, हाँ। आपको उसमें कुछ अनयूजुअल लगा? एक एक लम्हे को अगर फर्ज करें, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर वैसा ही हुआ है जैसा उसमें लिखा है तो अनयूजुअल है अगर ऐसा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, आप अमूमन हमसे सवाल जब करते हैं यहाँ खड़े होते हैं ना, अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो इसमें बात ये बोली गई, इन्फॉर्म किया गया कि आज आप यहाँ खड़े होंगे। लेकिन भाई मसला ये है, आईसीसी का तो स्टेटमेंट आए जिसके अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये मसला तो कामरान, ये तो मसला पहले भी है ना कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब आईसीसी, बहरहाल बीसीसीआई इन्फ्लुएंस तो रखता है ना आईसीसी में, तो कोई राज तो नहीं है ना, और आईसीसी ऐसे मुतअद्दिद मौकों पे खामोश रहता है जब उसको बोलना चाहिए। देखिए मैंने सुबह भी कहा था, जो जिस मीडिया ने ये रिपोर्ट लीक की है, जैसे उनको पता चला उनके मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए और केस होना चाहिए, इंडिया बीसीसीआई को भी करना चाहिए, आईसीसी को भी करना चाहिए। जहाँ तक सुनील गावस्कर साहब की बात, सर की बात है, मैंने अपनी लाइफ में उनको ऐसे कभी नहीं देखा ना। हाँ। और देखें एक और अभी हमने वो जुमला एक म्यूट किया है, बड़ा देखें, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, उनका ग्रेट ग्रेट प्लेयर है, उनकी कंट्री के मुतालिक वर्ल्ड कप के मुतालिक जहाँ हो रहा है, कोई ऐसी गलत बातें होंगी तो गुस्सा तो आएगा। चाहे ये हमारे मुल्क में हो रहा होता, हमारा प्लेयर कर रहा होता, हम लोगों ने करना था सबसे पहले ये बातें करनी थी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने सही कहा, जो क्रिकेटर होगा ना ऐसी छोटी छोटी बातें सोचेगा नहीं, उसको गुस्सा चढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से सही रिप्लाई दिया उन्होंने, मतलब ये किसी और के लिए जुमले के अलावा। इसमें मैं एक चीज कहूंगा, आगे बढ़े हैं, इंडिया की क्वालिटी के ऊपर किसी को डाउट नहीं है। इंडिया वो स्ट्रॉन्गर टीम, लेकिन बात ये जो उसने आइडेंटिफाई किया ना, वो बहुत इन्हें ऑर्गेनाइज करने, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज तो इंडिया में हो रहा है ना, आईसीसी उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। अगर कोई चीज ऐसी इररेगुलर देखी जा रही है तो उसकी क्लैरिफिकेशन भी आईसीसी को देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इधर बैठ के बात कर रहे हैं और कोई जो जिसने भी इल्जाम लगाया है, या तो उसको अकाउंटेबल करेंगे भी क्यों लगाया, क्या अगर अगर सही है तो फिर उसकी राइट क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। एक चीज छोटी सी है, राउंड के मैच हमने देखे यहाँ पे, तो अंडर लाइट कोई टीम बैटिंग नहीं कर पा रही थी। आज जिसने भी पिच बनाई है ना, दोनों टीमों के लिए इक्वल थी बैटिंग में, देखे 327 न्यूजीलैंड टीम ने बनाया है, चार सौ रन आ रहा था ना, स्पिनर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, स्पिनर्स को तो सबसे ज्यादा मार पड़ी है, मैच विनर है बुमराह की, ये पता नहीं क्या लॉजिक है, कोई समझ नहीं आती। लेकिन एक चीज है वसीम भाई, जो क्यूरेटर मुंबई का था ना, भाई मैं उसके लिए तालियां बजा देता हूं। ठीक है, घास होता था विकेट पे, आज घास नहीं है, दोनों टीमों के बैट्समैनों के लिए उन्होंने रन्स किए हैं, अच्छा मैच हुआ मैं समझता हूँ। ठीक है, अच्छा अब चूंकि यानी इसमें मजीद बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी पाकिस्तान के कप्तान के हवाले से, अगर वो ट्वीट दिखा सकें, बाबर आजम ने आज ट्वीट किया, आई विविडली रिमेंबर द मोमेंट व्हेन आई रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम पीसीबी टू लीड पाकिस्तान इन 2019। ओवर द पास्ट फोर ईयर्स I've experienced many highs and lows on and off the field, but I wholeheartedly and passionately aimed to maintain Pakistan's pride and respect in the cricket world. Reaching the number one spot in the white ball format was a result of the collective efforts of players, coaches and management, but I would like to express my gratitude to passionate Pakistan cricket fans for their unwavering support during this journey. Today, I am stepping down as the captain of Pakistan in all formats. It's a difficult decision, but I feel it is a right time for this call. I will continue to represent Pakistan as a player in all three formats. I am here to support the new captain and the team with my experience and dedication. I want to express my sincere thanks to the Pakistan Cricket Board for entrusting me with this significant responsibility. Pakistan Zindabad. ये कह रहे थे आज बाबर आजम। बिफोर मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू मेक अ क्विक कमेंट कि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने इस प्लेटफॉर्म में भी, हर प्लेटफॉर्म में बाबर की परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई है, उनकी उनके एज अ बैट्समैन कारकर्दगी की बहुत तारीफ हुई है, उनकी एज अ कैप्टन कारकर्दगी में कहीं तारीफ हुई है, कहीं तनकीद हुई है, कहीं किसी का कोई ओपिनियन, किसी का कोई ओपिनियन, इसमें कोई शक नहीं है। कम अज़ कम मुझे आई थिंक ये सारे एग्री भी करेंगे मुझसे कि मुझसे अगर कोई पूछे, मैंने आज से कोई एक डेढ़ साल पहले मुझसे किसी पूछा जी आपके ख्याल में सब पाकिस्तान का बेहतरीन बैट्समैन कौन है, मेरा जवाब बाबर आजम था, तो उनकी कप्तानी के हवाले से मेरी भी एक राय है, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने चार साल पाकिस्तान को सर्व किया और बेस्ट पॉसिबल वे में सर्व किया। तो आज जब ये डिसीजन हुआ है तो मेरा ख्याल है कम से कम वो ये डिजर्व करते हैं कि उनकी जो खिदमात हैं और जो जबरदस्त जो कारकर्दगी उसके एतराब में जबरदस्त तरीके से उनके लिए तालियां होने चाहिए। व्हाट अ टैलेंट, क्या जबरदस्त। एंड लेट्स होप कि इंशाल्लाह जो सबको बहुत उम्मीदें हैं, इस सवाल का जवाब एक ही है, जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान की इस करंट लॉट में कौन एक ऐसा खिलाड़ी हो सकता है
जो कि हम कभी बड़े बड़े रिकॉर्ड जब बात कर रहे होते तो कोई उसके आसपास कोई पहुंच सकता है क्या? तो मेरे ख्याल में उसका एक जवाब है कि अगर पहुंचेगा तो बाबर आजम पहुंच सकता है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह ये एक उनके एक नए एरा की बिगनिंग हो और पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन करें। सो थैंक यू वेरी मच बाबर फॉर सर्विंग पाकिस्तान इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड ऑफ कोर्स यू विल कंटिन्यू टू डू दैट। रिजवान कहते हैं कप्ताना आप दिलों के कप्तान हो। You are definitely one of the greatest batsmen Pakistan has ever seen. Your honesty, love, integrity, thoughts and efforts for Pakistan as the captain are the things to look up to. May you continue to shine for Pakistan. Ameen. ये कहते हैं रिजवान। मैच क्योंकि पाकिस्तान का अगला जो मार्का है वो ऑस्ट्रेलिया में है, टेस्ट मैचेस हैं 7 या 14 दिसंबर से उसका आगाज हो रहा है, उसके कप्तान बना दिए गए हैं शान मसूद। एक मुझे क्रेडिट देने दें यहाँ पे, जो बहुत पहले जब कोई नाम ये नहीं था तब मेरे कान में एक आवाज़ आई थी, वो आवाज़ फिर झटकी थी कि शान मसूद का नाम जहन रखिएगा, होता है वो अगले कप्तान हो। तो वो आज जब ये नाम आया तो मेरे जहन में शेर, ये बहुत यानी बहुत पहले की बात है, वर्ल्ड कप के बिल्कुल इब्तदाई दिनों की बात है। सो बहरहाल शान मसूद का ये आज उनकी ये मुलाकात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़का अशरफ साहब से, उन्होंने क्या कहा दिखाइएगा शान मसूद ने। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ खेलना, जहाँ तक पाकिस्तान को लीड करने की अपॉर्चुनिटी आई है, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द क्रिकेट बोर्ड, सारे स्टेक होल्डर्स जिन्होंने मुझ में ऐसी चीज़ देखी कि आई कैन बेसिकली टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक द टीम फॉरवर्ड। देखें, चैलेंजेस हैं, रेड बॉल क्रिकेट जो है वो टफेस्ट फॉर्मेट है एंड आई थिंक एक ओनस है हम सब पे, सिर्फ लीडर पे नहीं, हम सब पे एज प्लेयर्स के हम पाकिस्तान को रेड बॉल क्रिकेट में आगे लेकर जाएं। एंड आई लुक फॉरवर्ड के सारे प्लेयर्स जो हैं, हमारी जो भी मैनेजमेंट है, हम उसके साथ मिलके पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। एंड ऑफ कोर्स वी विश ऑल द बेस्ट पाकिस्तान के जो भी नए कप्तान हैं, शान मसूद टेस्ट के, शाहीन T20 के, वनडे का भी अनाउंस नहीं हुआ, अल्लाह करे कि वो 13 महीने बाद होगा, क्योंकि अगला वनडे है नवंबर में। शिव साहब और क्या है, हफीज आ गए हैं डायरेक्टर, इसका मतलब मिकी आर्थर साहब ऑफिशियली हिस्सा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? बिल्कुल, तमाम गैर मुल्की कोचेज जो मैंने आपको पहले कहा था, स्टाफ जो है वो अब आ गया है नेशनल कोचिंग सेंटर, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, NCA में, और मोहम्मद हफीज जो है वो टीम डायरेक्टर के साथ साथ हेड कोच भी होंगे। अब वो अपने साथ मावनत के तौर पे बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच और फिर फील्डिंग कोच वो अपनी एक टीम बना लेंगे, एक आध दिन में उसकी भी अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। वहाब रियाज फेवरेट तरीन जो है वो उम्मीदवार हैं चीफ सेलेक्टर के, उनकी अनाउंसमेंट जो मेरी तलाते हैं इसलिए रुकी हुई है कि वो एक पूरी सिलेक्शन कमेटी हो जाए तो उसका ऐलान हो जाएगा, वो भी विद इन 48 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए जो टीम ने उसने टेस्ट सीरीज के लिए जाना है उनको सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस करना है, तो इसलिए वो भी हो जाएगा। कुछ और फैसले भी हैं वो भी आने वाले दिनों। वनडे का कप्तान का अनाउंसमेंट अभी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वनडे का क्रिकेट बहुत दूर है। अलबत्ता शान मसूद जो है वो पूरे टेस्ट साइकिल के लिए बनाए गए हैं, तो पूरे एक साल की उनकी कप्तानी है। इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो है उस तक के लिए जो है वो जो के है जून में 2024। क्विक कॉमेंट जरा इसमें आज वाले डेवलपमेंट पे, फाइनली जो सारे कयास या तज्जिये थे अब वो खबर की सूरत में आज सामने आ गए। क्विक कमेंट, बाबर आजम के लिए जो उसने स्टेप डाउन करा है, सही, बहुत बहुत जबरदस्त फैसला है, सही है, मैं सिर्फ इस पे कमेंट्स करूंगा। ठीक है, कामरान भाई, बिल्कुल यही है, बड़ा मुश्किल डिसीजन है ना, 4 साल उसने कैप्टनसी की है, इतना ईजी नहीं है, खुद भी प्रेशर में रहा, लेकिन बैटिंग में कोई फ़र्क नहीं आया, वही उसकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है बैटिंग में, रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं है पाकिस्तान के लिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में, लेकिन यह 2-3 महीने के बाद ये डिसीजन को वो कहेगा कि बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, जो उसके रिकॉर्ड रह गए हैं वो और ज़्यादा डबल बनाए। और अजहर भाई इसमें भी कॉमेंट कीजिएगा साथ में ये भी कि अब ये आपके घर में ये जो चॉइसेज हैं इन पर आपका क्या ओपिनियन है, इसमें फिर बासित आप भी ओपिनियन दीजिएगा, शान मसूद टेस्ट कप्तान, शाहीन आफरीदी T20 कप्तान। आई एग्री विद बोथ ऑफ देम कि बाबर के लिए बहुत अच्छा है, आई थिंक उसने बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और उसके लिए एक स्पेस मिलेगा, रिलैक्स होकर अपनी बैटिंग करेगा। बाकी ये है कि शान मसूद का डिसीजन बहुत बेहतरीन है, आई थिंक ही हैज़ एक्सपीरियंस कप्तानी की हुई है, स्पेशली यॉर्कशायर ने भी उसको एक्नॉलेज करके वहाँ पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने एज ए कैप्टन खेलने के लिए यॉर्कशायर में, तो आई थिंक ही हैज़ ऑल द एट्रीब्यूट्स टू लीड पाकिस्तान, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी गेम चेंज की है आई थिंक कि वो आगे डिमांड भी कर सकते हैं। आई थॉट कि वो वनडे के भी बनेंगे, लेकिन वनडे है इतना दूर, लेकिन ये है कि आई थिंक कि आगे वनडे की कप्तानी, अगर बाबर को रिप्लेस करना था तो ही इज़ अ वेरी गुड चॉइस, और उसके बाद शाहीन ने PSL जीती है 2 दफ़ा लाहौर कलंदर के लिए, आई थिंक टेम्परामेंट का शाहीन का जरूर टेस्ट होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर में उनके पास बेस्ट बॉलिंग अटैक था
उसके बावजूद उनको काफी दफा 200 रन पड़े 20 ओवर में। तो यहाँ पर वो लाहौर कलंदर वाला बॉलिंग अटैक हो सकता है, उनके पास जो क्वालिटी राशिद खान की थी वो आपको मिडिल ओवर्स में उस तरह का नाम मिले, लेकिन ये है कि अब टेस्ट होगा, डिफरेंट जगहों पे जाके ये खेलेंगे, तो आई थिंक टेम्परामेंट का टेस्ट होगा, फास्ट बॉलर है, अग्रेसिव है, लेकिन इनको कप्तानी बड़ी कूल होकर करनी पड़ेगी। और बस में आपका ओपिनियन, ये क्या बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस हुई आपके ख्याल में? मसूद इसलिए चॉइस है कि वो किसी ग्रुप का बंदा नहीं है। अच्छा, सीधी सी बात है। अच्छा, और हम पहले बोल चुके हैं चांद के लिए कि बेस्ट चॉइस है। जहां तक बात है शाहीन आफरीदी की, वो तो आशा भोगले ने जो ट्वीट करी थी ना, वो साबित हो गई कि उसने वो ट्वीट सही करी। वो क्या थी ट्वीट? कि शाहीन शाह आफरीदी का बहुत ज्यादा चांस है कप्तान बनने का T20 में, क्योंकि लाहौर कलंदर बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है फ्रेंचाइज। ओके, और आपके ख्याल में इससे बेहतर चॉइस हो सकती थी T20 कैप्टन के लिए? पता नहीं वो फिट रहता भी है या नहीं, पहले तो उसकी फिटनेस का मसला है ना। अभी बोला है जून तक वर्ल्ड कप तक, यही कह रहे थे ना जट साहब कि फिटनेस का बड़ा मसला है वर्ल्ड कप के दौरान, कि फिट नहीं है फुली फिट, तो अब क्या फुली फिट हो गया है? आपके ख्याल में दोनों बेस्ट चॉइसेस हैं या नहीं है? देखिए इस वक्त बेस्ट चॉइस यही है, और शान को दोनों को मुबारकबाद, अल्लाह करे अच्छी परफॉर्मेंस दें और लंबा टाइम मिला है उनको। लेकिन जो शाहीन को चांस मिला फिटनेस का, 10 के 10 वो मैच खेला, एशिया कप भी सारा खेला, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई इशू नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये है कि मुश्किल टास्क है। T20 में अच्छी टीम, बैलेंस टीम है, अब देखते हैं लेके कैसे चलते हैं। रिजल्ट हमें चाहिए, परफॉर्मेंस वाइज हमें कोई डाउट नहीं है किसी पे। और शायद कोई और नाम भी जेने बैठते हैं या ये दो नाम ही जहन में थे कि शान मसूद और शाहीन नहीं बनना है? देखिए मैंने आपको जो जो बताया था वो आज वैसा वैसा हुआ। मैंने आपको बताया कि गैर मुल्की कोचिस को अकेडमी भेज दिया जाएगा, वही हुआ। मैंने आपको बताया कि कप्तान के सामने ऑप्शन ऐसा रखा जाएगा, फिर कप्तान जो है वो हो सकता है खुद ही मुस्ताफी हो जाए, खुद ही मुस्ताफी हो गए। तो इसी तरीके से ये दोनों ऐसा नहीं है कि आज डिसीजन हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी की एक मूव तब भी चली थी जब नजम सेठी जो है वो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो शाहीन अफरीदी में स्पार्क तो है। जो बासित भाई बात कर रहे हैं वो 10 ओवर की क्रिकेट या 10 ओवर की क्रिकेट जो है वो लंबी होती है, 4 ओवर की क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी एक बेहतर जो है वो चॉइस है। और उनके अंदर एग्रेशन है, पाकिस्तान टीम को जो मिसिंग जो एलिमेंट था वो एग्रेशन का था। अब T20 जैसे कामरान अक्सर बात करते हैं कि 200 वाली क्रिकेट होनी है, तो उसमें आपको लीडर फिर ऐसा ही चाहिए जो अटैकिंग क्रिकेट खेले। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, अभी मजीद तब्दीली बाकी है, क्योंकि अब जब ट्रैक जब चेंज होगा तो हो सकता है बहुत सारे जो बड़े पक्के नजर आ रहे हैं वो आपको वहां पर तब्दीली आ नहीं गई, तब्दीली मजीद रस्ते में है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। कल मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, हाथ के हाथ इसकी प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं कि हमारे पैनल्स का क्या ख्याल है। कल मुकाबला ऐसी टीमों के दरमियान, एक ऑस्ट्रेलिया जिससे ज्यादा सेमीफाइनल, जिससे ज्यादा फाइनल्स किसी ने नहीं खेले, 7 जिससे ज्यादा वर्ल्ड कप किसी ने नहीं जीते, एक साउथ अफ्रीका का, और इनका आपस का मुकाबला है कि 109 मैच खेले, 55 साउथ अफ्रीका जीता है, 50 ऑस्ट्रेलिया जीता है। लेकिन हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका का नॉकआउट्स का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इन्होंने वर्ल्ड कप में 7 मैच खेले आपस में, 3 साउथ अफ्रीका जीता है, 3 ऑस्ट्रेलिया जीता है। अगर आगे बढ़ सके आगे कोई और भी स्टैट है तो, और ये देखें साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल, 92 इंग्लैंड से आ रहा वो बारिश, एक बॉल में 22 रन, 99 ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई हो गया सेमीफाइनल, नेट रेटेड पे ऑस्ट्रेलिया आगे निकल गया, फिर फाइनल पाकिस्तान से ही था ना जिसमें 137 पे आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। 2007 में फिर ऑस्ट्रेलिया से हार गया साउथ अफ्रीका, 2015 में फिर न्यूजीलैंड से हार गया साउथ अफ्रीका। आपको लगता है कल चोकर्स एक बार फिर चोक करेंगे या? I'll go with chokers. You will go with chokers. Okay. So you think? क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप में ना कोई ओपनर कप्तान नहीं जीता है। अच्छा। और रोहित ओपनर है और टेम्बा भाई। मजा आएगा अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा। दोनों ओपनर आए और ओपनर कप्तान मैच। आपके ख्याल में फेवरेट साउथ अफ्रीका आपके ख्याल में कल? कल? हाँ। I'll go with South Africa. आपकी ख्वाहिश है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल हो यानी? जनाब देखिए इस बार साउथ अफ्रीका एक डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है और इंडिया के बाद मेरे ख्याल से मजबूत टीम है, और मैं भी साउथ अफ्रीका के साथ ही जाऊंगा क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि ये फाइनल जरूर खेले। ठीक है। और सर साउथ अफ्रीका क्योंकि जहाँ मैच है वहाँ पर स्पिन का बड़ा रोल होगा और उनके पास दो स्पिनर हैं। और ये आपके जहन में आपको लगता है कि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर गई तो जिंदाबाद, मैं बोलता ना क्या चल गई तो चांद तक वरना शाम तक। याद ही ने शेर दिया कि पहले मैं बैटिंग कर गई तो 400 / 400 वरना 73 112। ये है तो कुछ दोनों में से एक काम होगा। लेकिन होप सो टॉस भी उनकी फेवर में जाए और हमारी प्रेडिक्शन भी तीनों के ठीक हो जाए। मुझे लगता है कि अभी भी तजिया जो है वो सही नहीं आया, माजर के साथ ऐसी शख्सियत की तरफ बढ़ू जिसका तजिया। सर आपके क्या लगता है कि कल जो है वो चोकर्स जो है और वो जीतेंगे
जीतेंगे या मैक्सिमम टाइम का जो वर्ल्ड चैंपियन है वो जीतेगा? देखिए कल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज का बता सकता हूँ कि ब्रेक का वक्त आने वाला है, बस आने वाला है, बस अभी आई और मजीद टाइम जाए किए बगैर मेरे साथ जावेद या दाद भी बोल, क्या बात कर रहे हैं? तो सर आप बात क्यों नहीं की आपने? साउथ जीतेगा, एक तो साउथ जीतेगा, दूसरा ये वनडे का कप्तान अगर नहीं मिल रहा, जावेद नाम का एक लड़का है बहुत अच्छा खेला, लेवल एट कोचिंग। अच्छा नहीं सर, आपका तो है, लेकिन आप तो जाहिर क्रिकेट अपनी खेल चुके हैं। बिल्कुल खेल चुके हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ यार, ये 82 में क्या हुआ था? 82 में क्या हुआ था बताओ ना, बताओ भाई, स्टेप डाउन करो और बताओ। नहीं मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 82 के अंदर जो हुआ था अगर पता चल जाए तो मुझे भी पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता ना, इसीलिए पूछ। नौ प्लेयरों ने मना कर दिया था खेलने से। अच्छा ये अभी याद आ गया आपको? वो भी जावेद भाई के, मुझे लगा वो पैदा हुए थे कल, मुझे भी यही लगा कि ये रब बड़ बता रहे हैं, आगे का भी बता रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला, तो इनको पिछला भी बताया सर। लेकिन कोई इंटरेस्टिंग फाइनल होगा कल या बिफोर आई टेक द ब्रेक? पहली बात है कल फाइनल है ही नहीं, आप अपने वर्ड्स पे ध्यान दें, वर्ड्स आप गलत यूज कर रहे हैं, عوام का गलत पैगाम पहुंचा रहे हैं, عوام का फाइनल मैं इंसान हूं, गलती नहीं, मैं सिंपल हूं, गलती कैसे यार, मैं मुंह से निकल गया, आपको शो से पहले 1500 दे रहे हैं, शो के बाद 1500 दे रहे, आप कैसे गलती कर सकते हैं भाई? ब्रेक में चाय फ्री, एक ब्रेक में चाय फ्री और दो दिन से बिस्किट भी आ रहे हैं। वसीम भाई आप थक गए हो, आप स्टेप डाउन करो। तो सर मैं आप क्या हो गया उनकी बात से? एक मिनट, ये जो है ना इतनी देर से सुन रहे थे, इनकी सुनने की जो अहलियत ना बहुत अच्छी हो गई है, जुमला आपने इतना सुन सकता हूँ, सुन हो चुका हूँ। चलो लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद बातचीत करते हैं, प्रेडिक्शन भी हमने ले लिए, अब अपने मेहमान को बुलाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हर नवा पुरजोश, आते हैं हम ब्रेक के बाद। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर, आप देख रहे हैं लम्हा पुरजोश, हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, जो देखने में तो बहुत ही एक क्या कहते हैं चुलबुली सी शख्सियत पाया है मैंने, खूबसूरत तो है ही माशाल्लाह, लेकिन मैं हसीन वो तो है ही माशाल्लाह, लेकिन प्यारी वो तो है ही माशाल्लाह, एलिगेंट आप करा लो भाई आज जो मैंने तंजिया बोला था। अच्छा, आपको एक्चुअली चलो कराया पता नहीं चल रहा ना मुझे। अच्छा नहीं, आपको आज जो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है हाँ बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, क्या आर्टिस्ट हैं, क्या अदाकारा हैं, जब भी स्क्रीन पे आती हैं सबकी आंखें और दिल स्क्रीन पे अटक जाते हैं। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है इराज जुमरा। क्या सलाम अलैकुम, मेरा क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक हाल है, आप बताएं? थैंक यू सो मच, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिला गया ये इन्होंने, लड़के मुझसे लिया है, उन्होंने कल से कहा था कि इंट्रोडक्शन मैं करूंगा। ये बहुत अच्छे इंसान है। चले ये आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, मैं डिसएग्री तो कर सकता हूं, गलती निकाली आप पर्सनल पे आ रहे हो मेरे साथ, स्टेप डाउन करें आप। हो गया जितने स्टेप डाउन होने तो ठीक। आप क्रिकेट विकेट का शौक है या कोई ज्यादा नहीं? बस जी मैं कुछ इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, शौक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये क्या बात है। अच्छा आप जावेद भाई को जानती हैं? जी जावेद भाई को जानती हैं बिल्कुल, ऑफ कोर्स, उनको कौन नहीं जानता सर। आप बहुत बहुत शुक्रिया, टिप्स देना चाहें। मैंने जब से रिटायरमेंट ली है ना, पड़ोसियों के अलावा ये वाइज शख्सियत है जो मुझे पहचान रही है। अच्छा नहीं आप लेजेंड हैं। तो आपको ये आपने इतनी सारी तारीफें कर दी हैं इनकी, तो ये एक्चुअली हमारे कंटेंट हेड भी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, और इनके अंडर में जो है वो हम कुछ सवालात वगैरह बनाते हैं, फिर इनको प्रेजेंट करते हैं, ये सवालात कुछ अप्रूव करते हैं, कोई रिजेक्ट करते हैं, उनमें से कोई 8,350 सवालात में से 8,447। आप शुएब जट को जानती हैं? जी मैं सबको जानती हूँ, ये पूरे मोहल्ले में लड़ाइयाँ करवाती हूँ। तो इन्होंने कुछ सवाल बनना है, आप इजाजत दें तो मैं वो सर क्या हो गया? सुने आप बासित भाई को जानती हैं? ये सलाम का जवाब नहीं देते। सलाम तो हुई वैसे आप, इसका बैकग्राउंड इस बात यार मैं सवाल कर लूंगा, ये कोई पर्सनल वो था? नहीं नहीं, ये कंटिन्यूटी चल रही है कि बैकग्राउंड है इसका, एक बैकग्राउंड है। तो चले भाई आदि साहब ने जो कुछ सवाल बनाए हम जरा बढ़ते हैं पहले राउंड की जाने में, कुछ सवाल का आगाज करते हैं। आदि मैंने सवाल भी अपने जैसे बनाए, बड़े ही शोर करें, ये शेर लिखा है आपने, ये क्या है? नहीं नहीं पहेली है, पहेली है, शोर करे तो उड़ जाती है। अच्छा और नजर भी कब आती है? कब आती है नजर? अच्छा ये सवाल है, नजर भी कब आती है? मतलब ये नजर नहीं आती। अच्छा और शोर करते हैं तो उड़ जाती है, और परिंदा है कोई? नहीं।
हसीन जी पिक्चर पे और दैट्स वेरी इजी इज इट दैट्स माय पर्सनालिटी आल्सो खामोशी नहीं नहीं खामोशी नहीं है खामोशी हो सकता है और क्या हो सकता है यार वैसे साइलेंस करीब करीब आपका जवाब कुछ और होगा क्योंकि हर कोई तो उतनी डेप्थ में नहीं जा सकता ना लेकिन ये भी एक अच्छा शोर करें तो खत्म तो हो जाती है उड़ नहीं आती अच्छा ये उड़ जाती है शोर करें तो उड़ जाती है मैंने अपने उड़ गई जुमला भी इस्तेमाल किया था यार उड़ गई खामोशी तो खत्म और नजर भी कब आती है नजर नहीं आती नजर भी नहीं आती ये तो मैंने अपने हंसी उड़ती नहीं हंसी उड़ती नहीं ना आवाज उड़ती नहीं आवाज उड़ा देती है सर आपको उड़ती क्या है भाई मुझे तो पिछल पैरी लग रही है पिछल पैरी ये क्या होता है ये जो है ना ये है नी सीओटी वाला रोड किस पे खड़ी होती है खड़ी होती अच्छा अभी बहुत अरसे से नहीं मेरे ख्याल में शादी हो गई अच्छा मुझे नहीं पता मिठाई कोई हिंट दे दे कोई हिंट है मिठाई बहुत पसंद है रात के टाइम आती है हैं हाँ रात हवा 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 नसीब वालों को आती है रात के टाइम अच्छा और बदनसीबों को क्या आती है उनको रात को नींद नींद इनके पैर उल्टे सही आपने हिंट देके आसान किए नींद दिखाए मैं क्या सही जवाब नींद दिए शोर करें नींद ओके कैसा बहुत ज़हीन हूँ मैं माशाल्लाह कैसा लिखा आपको आया नींद में बस मुझे तो बाकी रह गया था मेरा वैसे ये तो बेमानी है अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे काम नहीं कि नीके नींद उड़ जाए सही है तुम बहुत सीरियस ले लियो ना नींद वाली बात मेरा ख्याल फौरन हम अगले सवाल के जाने पड़ जाए हाँ ऐसा क्या है ऐसा क्या है ऐसा ही है अच्छा जिसकी आंख नहीं नींद नहीं नहीं अच्छा वो खत्म हो गया मगर रोता है आंख नहीं है मगर रोता है पैर नहीं मगर चलता है जी पैर नहीं तो चलेगा कैसे यार सोचे ये हमारे ये जॉर्ज चरंगी का फकीर भी हो सकता है क्या हो गया हमारे आगे है उसकी आगे है। वो भी यही है सही कह रही है नहीं नहीं बिल्कुल वो बड़ा है नहीं है क्या बोल रहा है वाला नहीं है आंख नहीं है पर रोता है और पैर नहीं है पर चलता है हाँ यही ये पाकिस्तानी है इसने उल्टे काम ही करने सारे ये, आँख ही नहीं है तो ये बहुत ऊपर रहता है अच्छा ऊपर की चीज है चलो ये भी एक हिंट है हेरा इसमें ऊपर की चीज है कोई ऊपर का है घुसती भी है हैं चीजें घुसती भी है इसके अंदर अच्छा हाँ और निकलती भी है और खुद भी ऊपर जाता है तो बड़ा मजा आता है व्यू बड़ा जबरदस्त वापस तो नहीं आती ना बहुत साइंटिफिक चल रही है बड़ा आसान से ब्लैक होल आपको लग रहा है कि मेरे मैट्रिक में ब्लैक होल ऐसी क्या है जिसकी आंख नहीं है लेकिन रोता अक्सर है रंग भी बदल लेता है अच्छा रंग भी बदल लेता है शोर भी बड़ा मचाता है क्या शोर भी बड़ा मचाता है क्लाउड इज इट क्या बात है भाई क्लाउड बादल ओके आंख नहीं है मगर वाह 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 थोड़ी सी मैंने चीटिंग की है वैसे मैं बहुत ईमानदार हूँ मुझे इशारा किया किसने इशारा किया है आपको सर प्लीज अब पूरी ईमानदारी अभी नहीं मैं अभी मैं ईमानदार बन रही हूँ सामने वाले को थोड़ी पिटवाऊंगा चलो कसौटी खेलते हैं मर्द इशारा करने वाला जिंदा जिंदा ठीक नहीं है भाईजान ये यहाँ मौजूद है या वहाँ मौजूद है अच्छा ये हम में से नहीं है अभी आके बैठा ही आदमी चलो भाई बढ़ते तीसरे सवाल के वो क्या है जिसे डूबता देखकर कोई भी बचाने नहीं आता शोएब जट आज मैं पूछूंगा फिर बताओ हालांकि शोएब जट इसको डूबता देखकर यार आप अपने ईमान से बताओ कोई आएगा डूबता देखते आपके एक्सप्रेशन मुझे बता रहे हैं कि यू ऑलरेडी नो द आंसर I don't know the answer. अच्छा देखिए जिसे कोई बचाने नहीं सब देख रहे हैं कि डूब रहा है कोई नहीं बचा रहा सब देख रहे हैं भाई मुझे वैसे मुझे आंसर आ गया दिमाग में अच्छा वो क्या ठीक है लेकिन इसको थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए गलत गैस करते हैं ठीक है जिस दोस्त की शादी होने वाली हो सबको नजर आ रहा है कि एक बंदा डूब रहा है कोई नहीं बचा रहा इसलिए भी शादी नहीं हो रही इनकी लेकिन आजकल मैं इनसे तकरीबन रोजाना पूछता हूँ शादी कब कर रहे हो तो मैं देख रहा हूँ कि आप डूब रहे हो लेकिन मैं नहीं बचा रहा आप देख मुझे नजर आ रहा है ये कह रहे होंगे मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं अच्छा ये जो चीज है ना नहीं मैंने आ गई हूँ सूरज
यार क्या आदि भाई आपके सारे सवाल का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, दिखाया भाई क्या सही जवाब है, सूरज बिल्कुल सही, क्या बात। सो पहले राउंड में जो है ना हेरा ने बिल्कुल ही मतलब नॉकआउट कर दिया है आदि को, धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ मेरा हो गया हैट्रिक, खिड़की तोड़ आपने ना। अब जो है ना इसने मैं फौरन चलता हूँ अगले राउंड के जाने, चूंकि आदि सर जो है वो शायरी के हवाले से का बहुत ज्यादा, हाँ हाँ। सो एक शेर सुनाएंगी आप, ठीक है, एक आप और एक आप, और ये जो सामने आज 12.5 लाख लोग बैठे हैं ये फैसला करेंगे तालियों से ये जो है वो कौन है, ठीक है, हाँ। सही है। तो पहले शेर कौन सुनाएगा? सर 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 इरशाद, इरशाद सर, इरशाद, इरशाद नहीं जावेद, नहीं अमजद, अमजद, अमजद सर, इरशाद चल ने शबाना कर दें आप, हाँ। अर्ज किया है जी जी जी, मिसरा उठाइएगा, तो माहौल ही बना रहे हैं वहाँ, ये तो बंदे उठाते हैं आज, मिसरा उठाइएगा जी जी, मैं इस हसीन मंजर का नाजिर हूँ। सर ये बहुत मुश्किल है, क्या है? मैं इस हसीन मंजर का नाजिर हूँ, अगर कप्तान ने मिलना तो मैं हाजिर। अब तो छोड़ दे, अब तो हो गया ना, रिक्वेस्ट है, अभी नहीं हो सकता, अभी वनडे के कप्तान रहते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ जी सर सर, हाँ शेर, शेर अर्ज किया है सर, प्लीज प्लीज थोड़ा सा, नहीं नहीं अच्छा प्यारा, मुझे लग रहा है बहुत अमेजिंग शेर होगा, हाँ मुझे लग रहा है बहुत ही थका हुआ शेर होगा, नहीं नहीं आपकी खिदमत में शेर पेश है, शायद नकली है, हैं इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है हिरा सोमरो, ये पूरा एक लाइन है शेर की, इस पे तो तालियां बनती हैं भाई। ये मैसेज वाला शेर था, इसके साथ ही मैं आपको खुशखबरी भी सुनाऊं, क्या जी क्या? आधे शेर में खुशखबरी जी जी, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए कमी कर दी गई, पूरे 2 रुपए, अम्मी प्लॉट ले लो जो पैसे, पूरे 2 रुपए, 2 रुपए भाई कमाल हो गया, जाके आप लोग टॉफी खा सकते हैं। वसीम भाई अर्ज किया है सर, उनका शेर आधा पड़ा हुआ है रस्ते में, अभी है रस्ते में, शेर भूल गया मैं, पेट्रोल आ गया उनके शेर, शायद नकली है, इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है हिरा सोमरो, ठीक है, बुमरो जो पेट्रोल अभी भी सस्ता हुआ है ना उससे आग लगा। अर्ज किया है सर उनका शेर, अच्छा आप सुना, वो जो रूट के चला गया, हाँ। वो जो रूट के बहुत दूर चला गया, हाँ। अब जब वापस आएगा तब बात होगी, अभी मेहमान सुनाएंगे इरशाद, सीरियस सीरियस आपकी मर्जी है, आप पे छोड़ा है आपकी मर्जी है, माहौल बंद, आप सीरियस सुना दो हम हंस लेंगे, नहीं वही माहौल में आ रही है, छोड़ दिया दीनों ईमान मीर जिसके वास्ते, छोड़ दिया दीनों ईमान मीर जिसके वास्ते, हम काफिर हो गए तो वो काफिर मुसलमान हो गया, हम हुए काफिर, हम हुए काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया, ख्वातीन हज़रात आप ही सुन रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं, सर मैं शेर में इसी बात पे 2 रुपया पेट्रोल पे कम हो गया। तो जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजा दें, अल्लाह आप लोगों का भला करे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, कोई भी नहीं था, जिनके ख्याल में घूमरो एक शेर था वो सुना है, और जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर, क्या बात, इसके साथ ही मुशायरे इख्तिताम पज़ीर हुआ, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आज किया है एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। सही है, तो जनाब कल है दूसरा सेमीफाइनल, कल है साउथ अफ्रीका बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, सर आपके ख्याल में कौन जीतेगा? माय मदरलैंड ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस का था आपने पिछले हफ्ते, माय मदर इज रोमिंग अराउंड, ओके सर, थैंक यू, आई हैव नथिंग टू ऐड सर, साउथ के लड़के जीतेंगे सर, आप साउथ अफ्रीका बोल दें एक ही बात है, नहीं साउथ के साथ हमेशा लड़के आते हैं, साउथ के लड़के में कुछ और, अच्छा ठीक है जी सर, देखिए पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के बाद टीम ही जनूबी अफ्रीका होती है, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका, ओके जी सर, बस वाइंड अप करना है, आपने कह दिया साउथ अफ्रीका, इन्होंने अच्छा डांट क्यों रहे हैं वास्तव में, नहीं हम बता दो दिया तुम्हें, इसलिए डांट रहे हैं, साउथ अफ्रीका आज बात सुने इसलिए।